नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला आज की कुछ अहम खबरों का। देश में कोरोना से हुई मौतों के झूठे आंकड़े को सरकार ने खारिज किया, बताया बेबुनियाद। भारत और ईरान के संबंधों को सुधारने के लिए विदेश मंत्री मिलेंगे एक दूसरे से। जासूसी कांड पे मानसून स्तर में IIT मंत्री के बयान पर हंगामा, कल तक के लिए संसद की बातचीत बंद। चंडीगढ़ के हाल दूध के नाम पर बेचा जा रहा पानी, 6 महीने में 40% सैंपल में मिली मिलावट। बिना शिक्षक भर्ती के नैक ग्रेडिंग में गिर सकती है PU की रैंक। सिद्धू की ताजपोशी, कल कैप्टन के घर आमंत्रण देने जाएंगे कांग्रेस नेता, दिल्ली से संदेश लाएंगे हरीश रावत। लुधियाना में कॉल सेंटर के नाम पे फर्जीवाड़ा, कई लोगों को ठग चुके हैं और अब कैनेडा और USA को ठगने की तैयारी। रिहाई की मांग पूरी न होने पर किसानों का बड़ा ऐलान, 23 जून को 3 घंटे के लिए सरसा को करवाया जाएगा बंद, 24 जुलाई से डिप्टी स्पीकर के घर का होगा घेराव। जेल से निकलते ही फॉर्म में लौटे चौटाला, किसान नेताओं से मिले, संसद के घेराव का प्रदर्शन का ऐलान। शिमला में मान्यता मिलने पर वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमते हुए ऑक ओवर पहुंचे कर्मचारी, निकाली रैली। 12 सितंबर को नहीं होगी HS की परीक्षा, नीट के चलते होगा बदलाव। किसानों का बड़ा ऐलान, आज से जंतर मंतर पर होगा घेराव, पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आंदोलनकारी पहुंचेंगे जंतर मंतर। सरकार का बड़ा खुलासा, राजधानी में ब्लैक फंगस से अब तक 250 लोगों की मौत। ऐसी कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।